दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है दर्शन दो यमराज पार्ट 3। ये बाकेलाल की कॉमिक्स है, उसके पहले दो पार्ट और बना दिए मैंने इसके, क्योंकि ये बहुत बड़ी कॉमिक्स है 126 पेज की, तो इसको मैं चार पार्टों में डालूंगा। नेट पे मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में बाकेलाल का फोल्डर होगा, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे इससे पहले के दो पार्ट। तो अब तीसरा पार्ट पढ़ता हूँ मैं, यहाँ तक की स्टोरी आपने हमने पढ़ ली है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, चिकोटी काट कर देखना चाहिए। और सेनापति महाराज ने तुरंत अपनी मूर्खता को अंजाम दे दिया। गुर्र पता था कि यह राजा बनने पर भी छिछोरा ही रहेगा, दांत उखाड़ दूंगी। और जापड़ तो बिल्कुल असली था, यानी कि मैं सपना नहीं देख रहा। वो क्या करे, समय अपने क्रोध पर नियंत्रण रख और बाकीलाल जी की योजना अनुसार काम कर। दसी समा, तुमने विशालगढ़ के महाराज पर हाथ उठाने का दुस्साहस किया, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं आप पर हाथ क्यों उठाऊंगी भला? वो तो एक मच्छर आपके गाल पर आपका खून पीने की कोशिश कर रहा था, जबकि उस गाल पर तो केवल मेरा अधिकार है। हाय, मैं तो शर्म से लाल हो रही हूँ। ओए मरखपिया, तेरी तो निकल पड़ी रे। पर तो तुम यहाँ कैसे मेरी हुसन परी? आपकी सुविधा का खास ख्याल रखने के लिए मुझे बाकीलाल जी ने यहाँ भेजा है। कृपया लेट जाए, मैं आपका सिर दबा दूं। ही ही ही। क्या कहा बाकीलाल ने? अरे आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे मैं आपको सिंह की बजाय अर्थी पर लेटने को कह रही हूँ। अभी मैं नींद नहीं आ रही। बाकीलाल ने समा को मेरे पास क्यों भेजा? कहीं वह मुझे अर्थी पर लिटाने की बाकीलाल की नई चाल तो नहीं? कोई बात नहीं, मैं आपको मधुर मधुर गीत सुनाती हूँ, जिसे सुनकर आप मदहोश हो जाएंगे। यह मुझे गीत सुनाकर मदहोश क्यों करना चाहते हैं? कहीं मेरी मदहोशी में ही बू हमें समा करना? समा, हमें कुछ आवश्यक कार्य। अभी तुम जाओ, तुमसे गीत हम कल सुनेंगे अगर जिंदा रहा तो। क्या हुआ महाराज? बड़ा आया महाराज, गीत गाए मेरी जूती। अच्छा, तो यहाँ पे से गीत भी गाया था, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है। रात आदि बात बाकी, होना जो होने दो, सोचा ना था देखो ना जाने जा मुझे प्यार से। विशालगढ़ की सीमा में लगे वन में ऋषि के बच्चे उल्लू के पोते 420 मक्कार धोखेबाज रामखोर बक बक तेरा बेचा संकट थूथरा असफल हो गया रे। कर्म जले मैं रोजाना इसको किसी तरह गालिया देकर अपना गुस्सा निकालता हूँ, ताकि जब मैं इससे बातें करूँ तो मेरा दिमाग ठंडा रहे और इसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यह अंधा गूंगा बहरा नील लूला और लंगड़ा भी है, यह सिर्फ स्पर्श की भाषा समझता जिसे मेरे अलावा और कोई नहीं समझता। ही ही ही। और यह सिर हिलाकर इशारे कराए, यानी यह मुझसे कुछ कहना चाहता है। इसकी बात को समझने के लिए मुझे इसके पास जाना होगा। बता कि है स्पर्श द्वारा मुझे बता सके कि आखिर कहना क्या चाहता है। हाँ भाई ऋषि ऋषि की औलाद चपड़ गंजू, बोल क्या बोलना चाहता है? आंखें सपना नहीं देखती, मन सपने देखता है, और मेरा मन ये सपने देखता है कि सारी उम्र तो यूं ही अंधकार में गुजर गई है। अब सोता हूँ छोटा सा आश्रम है जिसमें मैं अपनी प्रेमिका कलमोई के साथ ब्याह करके बस जाऊं। दो छोटे मोटे बच्चे छोटे छोटे बच्चे उस छोटे से आश्रम में हम सब सुख और शांति के साथ रहें। मेरी जिंदगी में तो आग लगे नाश पिटे, और खुद घर बसाना चाहता तुझे तुझे कीड़े पड़े तेरा सत्यानाश हो जाए। ऋषि के सकल देखो। अब जैसे तुम ऋषि शल्याचार्य से कहकर मुझे नकली आग कान जीभ टांगे और हाथ लगवा दोगे, मैं अपनी कलमोही से शादी कर लूंगा। लेकिन वो दिन आएगा कब? वो दिन कभी नहीं आएगा कर्म चले, क्योंकि मैंने तो उसे झूठ बोला था। जिस दिन मेरा काम हो जाएगा मैं तुझे लात मार के इसे मचान से गिरा दूंगा गुरु। लेकिन अभी मुझे अपने क्रोध के नाड़े को कसकर बांधना होगा, ताकि मेरी मंशा गलती से भी इस पर जाहिर ना हो, और अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट भी लानी होगी, ताकि मेरा मन मचन और हाथ मेरे काबू में रहे। वो मतलब ही आएगा ऋषि संकट पैदा साफिया जरूर आएगा, लेकिन पहले आपको मेरा संकट दूर करना पड़ेगा। आपका भेजा संकट थूथड़ा तो विशालगढ़ के राजा को मार ना पाया, उल्टा उस महावीर राजा ने थूथड़ा के ही दांत तोड़ दिए। मुझे संकट से आप छुटकारा दिला सकते हैं प्रभु। नहीं, मैं तुम्हारी और सहायता नहीं कर सकता। तुम्हें ये पता नहीं बाल उखड़वाने में कितना दर्द होता है? पता क्यों नहीं है? तेरी ठुड्डी के इन बालों को उखाड़ने से ही तो संकट पैदा होते हैं। वो यही तो एक ऐसा काम है जिसे करने में मुझे दो गुना मजा आता है। देखे ऋषि, और मदद तो आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं संकट से निकल जाऊंगा, संकट से निकल नहीं पाऊंगा। और मैं संकट से निकला तो
आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा, ही ठीक है मगर जरा धीरे उखाड़ना, दुखता है वो, अब दो ही बचे हैं। आह हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, बाल की खाल की पाल की, पता नहीं कौन सा संकट पैदा हो रहा है महल में। दोस्त पाकेलाल मैं तेरी कोई योजना नहीं चलने दूंगा, मैं कतई ना सोने का, बल्कि किसी को भी नहीं सोने दूंगा, जागते रहो ही मैं पहरा दूंगा, ही अपने आप का पहरा, ही जागते रहो महाराजा, पहरेदारी क्यों कर रहे हैं, हम जाग तो रहे हैं पहरेदारी के लिए, नहीं तुम्हारा राजा मैं हूं और एक राजा का कर्तव्य होता कि वो अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखे। जाओ तुम सब सो जाओ, आज से मैं स्वयं पहरेदारी करूंगा। ये बात तो फिर महाराज लाठी भी ले लीजिए, बिना इसके पहरेदारी का कार्य करो तो पहरेदारी बुरा मान जाते हैं। वाह राजा हो तो सेनापति जैसा, जाओ अब तुम लोग सो जाओ। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये तो अच्छा हुआ कि महाराज जागते रहो, बोलते हुए इधर आगे आए और हम जाग गए। उसी समय महल के पिछवाड़े में, पिछाड़ी हाँ भाई गाड़ी, जोड़ों का दर्द कैसा है, पहले से चंगा और तुम्हारा है चंगा, इस बार कोई पंगा नहीं होना चाहिए, इस बार पक्की खबर मिली है, सारे पहरेदार लुट के होंगे, तो इसी बात पर देताली आह ओह आउच, रहन दे हाय हाय, कमर का दर्द गया नहीं अब तक, जागते रहो। हाँ यह मर्दूत कौन है, वेशभूषा और डिटोल से तो राजा लगता है, कमाल है राजा खुद फहरा दे रहा है, कहीं इसे हमारे आने की खबर तो नहीं लग गई, अब ये कैसे हो सकता, थोड़ी देर पहले तो हमें खुद भी खबर नहीं थी कि हम यहाँ सेंध लगाएंगे, अब जब तक ये जाग रहा हम सेंध नहीं लगा सकते, और यदि रात भर न सोए तो ऐसा नहीं होगा, अगर हमारी कामयाबी का संबंध राजा के सोने से है तो राजा जरूर सोएगा, यह फैक कि मैं निंद्रा की भसम फू, जागते रहो अगाड़ी पिछाड़ी से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, निंद्रा भसम का मरखप पर बड़ा भयंकर असर हुआ। नानी लाओ महाराज पता तो है हमें, महाराज पता तो दे हमें, क्या पता आपकी नानी कहाँ रहती है, अरे अरे कम भक्तो मैंने नानी नहीं जवानी मांगी है, महाराज देसिया जापानी, मैं मेरा मतलब था पानी लाओ कम भक्तो, लीजिए महाराज पानी छपाक, महाराज कब तक आके फाड़े बैठे रहेंगे, कुछ समय विश्राम कर ले, ही नहीं मुझे निंद्रा नहीं आ रही, तेरा सत्याना जाए बाकीलाल, कुछ दिन छुट्टी पर चला जा मुझे सोने दे। महाराज का जब हो गया, महाराज महल के पिछवाड़े वाले जंगल से एक अजीबोगरीब 12 फुटा योद्धा हाथ में विशाल मुगदर घुमाता हुआ महल की तरफ बढ़ रहा है, हमारी सेना की रक्षक टुकड़ी मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रही है, अगर उसे ना रोका गया तो जल्दी महल तक आ धमकेगा, उस दुष्ट का ये साहस, उठिए महाराज और आक्रमणकारी को मुंह तोड़ जो उत्तर दीजिए, किस किस करो ये आराम, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए, और फिर मुझको नींद आ रही है सोने दो, दिल ये कह रहा है कुछ सोने दो सोने दो सोने दो, होने दो होने दो होने दो सोने दो ना, बाढ़ में जा कंबक में भी चला महल छोड़कर, अब सीधे तेरे सराज में आऊंगा, खुर अगर आगे से भागा तो पकड़ा जाऊंगा, पिछवाड़े से निकल जाता हूं, अगर पिछवाड़े से निकलते ही हो, मैं जंगल से महल आए नींद के मारे, मैंने 2500 यूं टपकाए नींद के मारे। बगला को देखते सैनिकों में जैसे प्राण का संचार हो गया, ओ फूटी किस्मत, मुझे भी भागने के लिए यह पिछवाड़ा मिला था, अब तो भाग भी नहीं सकता, बाकीलाल जी हमें बचाओ, ये राक्षसों किसी के काबू में नहीं आ रहा, अगर इसे जल्द ना रोका गया तो ये सारे महल को मटिया मेट कर देगा, अबे मेरी टांग छोड़, आई बला किस पर टालू किस पर टालू, वो मारा पापड़ वाले को सूझ की तरकीब, वाह बाकीलाल जी कम से कम दुलत्ती मारने से पहले बता तो देते, उफ जल्दी जाओ और महाराज मर खपका उठा कर लाओ, इस योद्धा से वही हमें बचा सकते हैं, परंतु बाकीलाल जी महाराज तो गधे मेरा मतलब घोड़े पे से सो रहे हैं, फिर भला वो हमें कैसे बचाएंगे, अरे जाहिल मैं इसलिए तो महाराज को उठा कर लाने की कह रहा हूँ, यह निंद्रा योद्धा है, नींद में लड़ता है, इससे वही जीत सकता जो खुद नींद में हो, देर मत करो जल्दी जाओ, जो आगे बाकीलाल जी मुझको यार माफ करना मैं निंद्रा में हूँ, मरखप क्या थे,
अब सब लोग यहां से हट जाओ क्योंकि इन दोनों योद्धाओं का युद्ध बहुत भयानक होगा। अमर कब मरेगा, निद्रा योद्धा क्या तो, और विशालगढ़ का राजा बनूंगा मैं। वाह क्या दिमाग पाए तूने बाके, मैं सबका चार बनाया नींद के मारे। नींद चुराई मेरा, चैन चुराई मेरा, किसने ओ समा तूने पिछाड़ी। यहाँ भाई गाड़ी, तुझे सूचना मिली थी कि महल में सभी लुट के होंगे और हम आराम से महल में सेंध लगाएंगे। हाँ भाई, और हम पिछले 2 घंटों से इसी पेड़ से चिपके हैं ताकि जब भस्म का असर महाराज पर हो जाए तो हम नीचे उतर कर अपना काम करें। हाँ भाई, और इन 2 घंटों से यहाँ दंगे का माहौल है। हाँ भाई, हाँ भाई के बच्चे कहाँ से लाता है सूचना है, जो एक बार भी सही नहीं निकलती। गुर फूटी किस्मत भाई, फूटी किस्मत। नीचे मैंने पेड़ को गिल्ली बना डाला फिर नींद के मारे। राम करे ऐसा हो जाए, इतनी नींद या मुझे मिल जाए, तू जागे मैं सो सो जाऊं। दम हाय मरा, मैं भी मरा, हाय मरा, फिर से मरा, लगी जोर से लगी, यहाँ पर लगी वहां पर भी लगी। जल्दी लदोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, मर खप करे तमाशा ही। खच खच, मेरी इज्जत का कचरा हुआ नींद के मारे बू। मेरी मौत नींद में, इज्जत इज्जत लुटने पर ही होनी थी बू। दम कच्चा फाड़ दिया कपड़े भी। दम बोला, नींद में भी शत्रु की ऐसी की तैसी कर रख सकने वाले महाराज, मरकप की सड़ी हुई भांग, घोड़े की लीद, बिल्ली की झूठी खीर, कूड़े की टोकरी, फटे बिस्तर वस्त्र की गठरी, फिर टूटी योजना ही टांग। मरकप होश में है, आह कम मैं कहा हूं, जिंदा हूं महाराज, कमाल कर दिया आपने महाराज, निंद्रा में ही इस योद्धा को केले के छिलके की तरह छील डाला। सारी बात सुनने के बाद, क्या मैं नींद में निंद्रा योद्धा से लड़ रहा था, ये भी बाकी लाल के कहने पर नहीं। दम ओ ये क्या हुआ, देखो कहीं हृदयघात तो नहीं हुआ। ही मन में लड्डू फूटना, मैं भी क्रियाक्रम का प्रबंध करता हूँ। नहीं अभी हम जिंदा कमीनो, आज मुझे विश्वास हो गया कि भगवान है कहीं ना कहीं है, वरना आज बाके ने तो मेरी चिता का प्रबंध कर ही दिया था। सिंधु के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। यह तोड़ा मैं तेरा तीसरा और अंतिम बल, और यह पैदा हुआ तीसरा संकट। आ 38 साल जो बनेगा विशालगढ़ के सभी निवासियों के लिए बड़ा संकट। दानों के जाने के बाद जैसे ये बच्चे उर्दू के बच्चे, जितनी गालियां आपको आती हो आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हो। आज मैं तुझे एक राज की बात बताता हूँ, मैंने आज तक अपना उर्दू सीधा करने के लिए तुझे उर्दू बनाना मैंने आज तक अपना उर्दू सीधा करने के लिए तुझे उर्दू बनाया था, तो मैं तेरा कोई इलाज करवाने वाला हूँ, और ना ही किसी कल मुझे शादी। मुझे तो बस तेरे बालों से उत्पन्न संकटों से मतलब था, जो मुझे विशालगढ़ जितवा सकता है, और अब वो उद्देश्य पूरा हो चुका है। अब मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, अब तू जा मचान के नीचे दाड़। आ नहीं, हा, मर गया ऋषि का बच्चा, मुंगेर लाल के सिन सपने देखता रहता था, कम बख्ता हमारा नाश पीटा। मैंने जानबूझकर इस ऋषि से दोस्ती काटी थी ताकि बाद में अगर इसकी दुर्गति भी करूं तो यह मुझे श्राप ना दे पाए। दराम दोस्तों, बहुत कॉमेडी सीन है ये तो, और मैं मुझे हंसी अपनी रोकने के लिए कॉमिक्स को पॉज करना पड़ा और फिर दोबारा पढ़ रहा हूँ, लेकिन हंसी भी नहीं रुक रही तो पढ़ते हैं नीचे। अरे ऋषि का बच्चा अब तक मरा नहीं, कोई नहीं बुझता हुआ दिया है, फड़फड़ा रहा है, कुछ ही पलों में निकल जाएगा, लेकिन यह मुझे इशारे क्यों कर रहा है ये कुछ कहना चाहता है पर कहीं शराब ना दे डाले, क्या करूं। एक काम करता हूं, सुन ही लेता हूं, अपनी भड़ास निकालना चाहता होगा, अगर शराब देने की कोशिश करेगा तो मैं हाथ हटा लूंगा। ही औलादे निकाल ले अपनी भड़ास, झूठे मकार 420 मैं इंतजार भरोसा कर भविष्य के कैसे मेरे सपने बुन डाले और तूने मेरी पीठ पर छुरा भोंका। अबे झूठ क्यों बोलता है बे ऋषि,
छुरा का भोगा था, लात मारी थी तेरे कारण, मैंने बाल रूपी संकट पैदा कर करके नरक गामी कार्य किए, और तुम मेरी अपंगता का लाभ उठाता रहा, कमी ने तेरा कभी बलाना हो तुझे दिल का दौरा पड़ जाए, तेरी लाश इस जंगल में सड़े, तेरा सत्यानाश हो जाए, मेरा श्राप है। हाँ यह क्या बोल दिया ऋषि के बच्चे, नहीं मैं तो सोचा था तू जैसे बोलेगा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि वैसे मैं हाथ टालूंगा, फिर तूने तो सब गड़बड़ कर दी। और ये क्या मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है, तो क्या मेरा अंत, नहीं नहीं ऋषि के बच्चे। अगले दिन, अरे महाराज पलकों पर ईटे क्यों बांध ली, वो निंद्रा से पहले पलके मुंदी जा रही हो तो और क्या करूं ना मुराद, प्रबंध मंत्री प्रजा के हित के लिए मैंने एक खास व्रत रखा है, तुम बताओ तुम इतनी सवेरे कैसे आए। महाराज मैं सूचना दे आया हूँ कि आज बाकीलाल जी स्वयं अपने हाथों से खीर का नाश्ता पूरे विशालगढ़ के लिए तैयार कर रहे हैं, आप खीर के सेवन हेतु तैयार है, तब तक मैं भी चूहे मारने वाली दवा का प्रबंध करके आता हूँ। चूहे मारने वाली दवा, बाकीलाल जी कह रहे थे महल में बहुत चूहे हो गए हैं, सेनापति तुझे सावधान रहना होगा कहीं बाकीलाल तुझे भी चूहों की मौत ना मार दे। फिर खीर लेकर बाकीलाल उपस्थित हुआ, महाराज की जय, मैं महामंत्री से खीर बांटना आरंभ करता हूँ, मैं तो सोचता था बीच में से कोई कटोरी उठा लूंगा, बाकीलाल से भी कटोरियों में भरी खीर में तो चूहे मार जहर नहीं मिला सकता, लेकिन अकंबक तो मेरे पास खीर की अंतिम कटोरी लेकर आया है, कटोरी उठा दे इसमें गिरा दूंगा जो उसमें अवश्य जहर होगा। ठहरो सेनापति, मेरा मतलब महाराज तुम्हें तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा खीर ही नहीं। तभी महाराज एक भयंकर राक्षस अड़तीसा ने हमला बोल दिया, क्या अड़तीसा राक्षस, महाराज आप खीर का सेवन तो कर ले, अब तो खीर का सेवन है अड़तीसा राक्षस का वध करके ही करूंगा, किंतु इस अवस्था में आप बाहर किस प्रकार जाएंगे, अरे हाँ मेरा व्रत टूट जाएगा बाकीलाल, अड़तीसा को मारने तुम्हें जाना होगा, जितने सैनिकों की आवश्यकता हो साथ ले जाओ, किंतु सेनापति महाराज तुम खीर तो खा लो, बाकीलाल अड़तीसा राक्षस से मुकाबले हेतु तुम्हें अतिरिक्त ताकत की आवश्यकता होगी, यह खीर भी तुम ही खा लो। बोस बाकीलाल तू डाल है तो मैं पात पात ही ठीक है मैं ही खा लेता हूँ, अरे यह तो खा गया, बाकीलाल शीघ्रता करो, इसका मतलब खीर में चूहे मार दवा नहीं मिली हुई थी। बाकीलाल सेना लेकर निकला, बाकीलाल जी अब हम नहीं बचेंगे, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, मैं क्या बोलू मेरी तो बोलती बंद है, यह तो बड़ा भयंकर राक्षस है बू। अड़तीसा राक्षस ने उन पर हमला कर दिया, सोए सोए सोए, लेकिन यह क्या, अरे मेरे शस्त्र उन्हें नहीं लगे, हमें शस्त्र नहीं लगे जी नहीं लगे, यह चमत्कार कैसे हो गया, कहीं तुम सब खीर खाकर तो नहीं आए। हाँ हाँ खाई है बाकीलाल ने सबको खीर खिलाई है, पूरे विशालगढ़ को, क्या पूरे विशालगढ़ को, इसका मतलब मैं एक को भी नहीं मार पाऊंगा, खीर तो मैंने सेनापति को डराने के लिए बनाई थी ताकि उसमें चूहे मार दवा मिली होने के वैसे वो ना खाए और उसकी नींद और भी आराम हो जाए। भागो, अरे ठहरो, एक ने भी खीर नहीं खाई और वो है सेनापति मरकब, मेरा मतलब विशालगढ़ का महाराज, बेटा सेनापति अब तो तू मरे ही मरे और मत खा खीर ही, यह बात तो फिर मैं उसे मार कराता हूँ। बाकीलाल जी ने यह क्या किया, राक्षस महाराज को मार देगा, उस समाचार को सुनकर सेनापति मरकब के तो होश उड़ गए, क्या, अरे देखो घोड़ी थोड़ी बहुत खीर उससे बची होगी, किसी के चम्मच पर ही लगी रहेगी, हो तो मैं वो भी चाट लूंगा। अड़तीसा राक्षस महल में आ घुसा, सेनापति राजा कहाँ है तू, अड़तीसा राक्षस आ गए, चिची ची सेनापति मेरे बिल में आ जा, अब यहीं छुप कर ही तू बच सकता है, ही चूहा बोल रहा है। पिछाड़ी, हाँ भाई गाड़ी इस बार खबर पक्की है ना, हाँ भाई मैंने पता लगा लिया है, ये कमबख्त के मारे महल के कर्मचारी लल्लू के खानदान उल्लू के खानदान से है, दिन में सोते और रात में अपना मुंह काला करवाने निकल पड़ते हैं, तभी तो तेरे कहने पर इस बार अपना उसूल तोड़कर रात के बजाय दिन में सेंध लगाने निकल पड़े, अगर इस बार कोई गड़बड़ हुई ना तो कसम धंधे की चोरी वरी का धंधा छोड़कर शराफत की जिंदगी बसर करेंगे, इस बात पर देताली, सेंध के बाद भाई सेंध के बाद, तभी भागो भागो जान बचाओ, राक्षस अड़तीसा इधर ही आ रहा है, जिसने खीर नहीं खाई उसी राक्षस करेगा धुनाई, वो मैं तो बच नहीं सकता, तुम अपनी जान बचा लो, बिचारी है तो राजा है, हाँ भैया गाड़ी, और वह अपनी जान की परवाह ना कर हमारी जान बचाना चाहता है।
एक हमारा राजा है जो हमारे अपनी जान की परवाह न कर अपनी प्रजा की रक्षा करना चाहता हूँ, और एक हमें जो ऐसे देवता तुल्य राजा के महल में सेंध लगाना चाहते हैं, किंतु कितने गिरे हुए हैं हम। अरे या तो मेरे मृत्यु पर वाली स्थिति है जिसका वर्णन दत्ता गुरु कपटाचार्य ने किया था। अबे बंद करो यह मनुष्य रोना धोना वरना मैं मर जाऊंगा। बू पिता पिछाड़ी हुआ हुआ पिछा अगाड़ी हुआ हुआ अब हम कभी चोरी नहीं करेंगे। और ऋषि कपटाचार्य ने मुझे भावतापूर्ण दर्शों से बचकर रहने को कहा था, क्योंकि मेरी मृत्यु ऐसे दर्शों के देखने से ही होनी थी। बू आहिच अंततः अब मैं समझा कि बाकीलाल जी ने राक्षस को महल की ओर क्यों भेजा। वो जानते थे कि यह राक्षस ऐसे ही मरेगा। उन्होंने एक पन धोखा चाहिए राक्षस को भी मार दिया और अगाड़ी पिछाड़ी का हृदय भी परिवर्तित कर दिया। मेरी फूटी किस्मत कब सुधरेगी। अभी इसी वक्त मैं राजा के पद से त्याग पत्र देता हूँ, क्योंकि जान है तो जान है। मुझे सूचना मिली है कि सीमा पर सेना की जरूरत है, मुझे सेनापति आकर तो निभाना है। अब सीमा पर जाकर कई महीने सोऊंगा। लेकिन अब सवाल यह है कि इस विशालगढ़ का राजा कौन बनेगा, क्योंकि बिना राजा के राज्य में अव्यवस्था फैल जाएगी। कोई फिक्र नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, कोई कोई भी मुसीबत आए बाकीलाल है ना। राजा तो मैं ही बनूंगा। सेनापति मरकप के त्याग पत्र के बाद अब सिंहासन एक बार फिर से खाली हो गया है, और ज्यादा दिनों तक सिंहासन खाली रखना उचित नहीं है, वरना शत्रुदेश इस बात का फायदा उठाकर हमला कर सकता है। राज्य में गृहयुद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए जितनी जल्दी सिंहासन की रिक्तता भर जाए उतना अच्छा है। वो सब तो ठीक है महामंत्री जी, परंतु यह अपने भूतपूर्व महाराज सेनापति मरकप जी कहाँ है, इस बारे में तो संवादिया राजपाल ही बता सकता है। पर कम राजपाल का बच्चा है कहाँ। ओ जी मैं यहाँ हूँ जी। और कहा था तू मुझे तुझे हमारे भूतपूर्व महाराज की खैर खबर लाने को कहा था, क्या हुआ उसका। ओ जी वो तो मुर्दे से शर्त लगाकर सोए हैं जी। मैंने उनको उठाने की बहुत कोशिश की जी, पर नींद में उन्होंने ऐसी दुलती मारी कि मैं खुद उठ गया जी हवा में। बंद करो तुम सब अपनी बकवास, हम यहाँ एक गंभीर विषय पर चर्चा करने को एकत्र हुए हैं और तुम लोग ठिठोली कर रहे हो। अब तुम एक उपाय निकालो बाकीलाल, मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही। मैंने तो पहले ही राजपथ की दौड़ से खुद को अलग कर लिया, सो मैं तो राजा बनूंगा नहीं। पर ना आप तो जानते ही हो कि राजगद्दी के लिए मुझसे ज्यादा योग्य उम्मीदवार कोई नहीं है, और अगर कोई होगा भी तो उसका बाजा तो मैं बचाऊंगा ही। राजगद्दी को ज्यादा देर तक यूं ही खाली नहीं छोड़ा जा सकता, परंतु यूं ही किसी को इस गद्दी पर बिठाया भी नहीं जा सकता। इसलिए मेरा विचार तो यह है कि पहले हमें उम्मीदवार की योग्यता को परखना होगा। हम समझे नहीं बाकीलाल। राजपथ के इच्छुक मंत्रियों को एक दिन के लिए राजा बनाया जाए और उनकी कार्य कुशलता की समीक्षा की जाए, जिसकी कार्यशैली सर्वोत्तम हो उसे राजा बना दिया जाए। विचार तो अति उत्तम है, परंतु सभी महत्वपूर्ण मंत्री और दरबारी तो राजपथ के दावेदार होंगे, मैं भी हूँ, फिर कार्यों की समीक्षा कौन करेगा। मैं सबके कार्यों की समीक्षा मैं ही करूंगा, और प्रतिदिन राजा का चयन पर्चे चुनकर होगा। किसी को कोई आपत्ति हो तो बताए, नहीं हमें स्वीकार है। और पर्चे पर सबसे पहले महामंत्री का नाम आया। महामंत्री जी कल प्रातः से साय तक आप विशालगढ़ के नए राजा हैं। रात को धन्य हो प्रभु, आपकी लीला परंपरा है। बचपन में एक सपना देखा था, बुढ़ापे में जाकर पूरा किया। अब बस कल का दिन अच्छी तरह निकल जाए और खर्च। यह क्या, यह तो कोई संदेश है। उड़ गए तोते। बाकेलाल दौड़ दौड़ तो कौन है धुड़ाम, कौन है, जल्दी दरवाजा खोलो बाकेलाल। अरे तुम सब इतनी रात गए, क्या हो गया, किसी ने हमारी चिता का प्रबंध कर रखा। बाकेलाल बू कोई हमारा दाना पानी उठाने के चक्कर में, बू कोई हमारी स्त्री को जबरन मैं श्वेत वस्त्र पहनाना चाह रहा है। बू अब सुकून के काले साए हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं। बू कोई हमारी तस्वीर पर अगरबत्ती जलाने की फिराक में। बू कोई हमारी समाधि बनाने की नींव रख रहा है। बू राम नाम सत्य सत्य है, सबकी यही गत है। बू अबे हुआ क्या, मैं बताता हूँ बाकीलाल। हम सभी को यह संदेशा मिला है, जो बनेगा राजा उसका बजेगा बाजा। चेतावनी दे रहा हूँ एक ही बार, जो बना राजा उसे मारेगा राजा मार। हम सबको भी यह पत्र मिला है, कोई राजा मार हमारी जान के पीछे पड़ा, मैं बचाओ बाकीलाल। आप लोग घबराइए मत, यह जरूर किसी की शरारत है। मैं पहरेदारों की संख्या बढ़ा देता हूँ, आप लोग निश्चिंत होकर जाए। ठीक है बाकीलाल, तुम कहते हो तो हम जाते हैं। सबके जाने के बाद
कौन है राजा मार और क्यों करना चाहता है राजा की हत्या। संभल कर बेटा, बाकी तेरी नजर भी ध्वज सिंह आसन पर है, कहीं तेरे राजा बनने के बाद तुझे इन्हें टपका डाले यह राजा मार। क्या सोच रहा बाकीलाल, सेनापति मर कब तुम तो पूरे दुनिया का मूर्ख बना सकता है पर मुझे नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यह सब तेरा एक याद रहा है, पर याद रख इस बात तेरी एक एक हरकत पर मेरी नजर रहेगी। अगर मैं राजा नहीं रहा तो तुझे भी राजा नहीं बनने दूंगा, बस तेरी एक गलती और मेरी तलवार, तेरी गर्दन याद रखना। कम वक्त हमारा मार कब मुझे धमकी चेप गया। यह राजा मार की समस्या हल हुई नहीं और यह नई मुसीबत सिर पर आ गई। संभल कर बेटा, बाकी तेरे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं लग रहे। तो दोस्तों, इसका मैं यहाँ पर तीसरा पार्ट फिनिश कर रहा हूँ और इसके चार पार्ट बनेंगे क्योंकि कम इससे बहुत ही बड़ी है। तो इससे पहले के जो पार्ट होंगे वे आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में बाकीलाल फोटो उसके अंदर मिल जाएंगे। और कॉमिक्स आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है। तो मिलते हैं इसके आखिरी फाइनल पार्ट में, दर्शन दो यमराज पार्ट 4।